दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मारपीट मामले में जांच के लिए सीएम केजरीवाल के घर पहुंची टीम। पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जब्त। सीएम केजरीवाल से भी हो सकती है पूछताछ। थप्पड़ कांड को लेकर बीजेपी के वार पर सीएम केजरीवाल का पलटवार, बोले जांच के लिए इतनी शिद्दत, क्या लोया केस में अमित शाह से भी होगी पूछताछ। दिल्ली सरकार के खिलाफ आईएएस ऑफिसरों ने खोला मोर्चा, पीएमओ से की शिकायत, सरकार पर लगाया अफसरों को प्रताड़ित करने का आरोप। पीएम मोदी से मिले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, भारत और कनाडा के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर, आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने पर दिखाई प्रतिबद्धता। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शांति स्थापना के क्षेत्र में मिलकर बढ़ाएंगे कदम। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को ईडी ने भेजा तीसरा नोटिस, 3 दिन में पेश नहीं होने पर शुरू होगी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण की कार्रवाई। गुजरात के नतीजों पर गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का बयान, कहा कसाईयों ने नहीं दिया बीजेपी को वोट, इसलिए 99% सिमटे। लालू को जेल में ही मनानी होगी होली, कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को किया खारिज, चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं आरजेडी अध्यक्ष। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सरकार रच रही है मेरी हत्या की साजिश, हमारे बढ़ते कद से डरी सरकार। अब भी नहीं मिटी चाचा भतीजे की बीच की दूरी, अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल होली के बाद तलाश सकते हैं नया सियासी ठिकाना। महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एनसीपी ने मिलाया हाथ, गोंदिया उपचुनाव और पालघर सीट पर मिलकर लड़ेंगी कांग्रेस और एनसीपी, बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किल। सिंगर पपॉन ने रियलिटी शो के कंटेस्टेंट को किया किस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पॉक्सो एक्ट के तहत पपॉन के खिलाफ शिकायत दर्ज। केरल के पलक्कड़ जिले में भीड़ तंत्र का कहर, चावल चुराने के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की पीट पीट कर की हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के बीजेपी विधायकों को सता रहा है भूतों का डर, सदन में यज्ञ कराने की रखी मांग, बीजेपी विधायकों की मांग पर सदन में हुई बहस। होली के रंगों में रंगी राधा कृष्ण की नगरी मथुरा, 24 फरवरी को होंगे होली के रंगारंग कार्यक्रम, सीएम योगी भी मथुरा में मनाएंगे होली। अमेरिका में H-1B वीजा जारी करने के नियम हुए सख्त, एक या एक से अधिक क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे लोगों को बताना होगा काम, भारतीय आईटी कंपनियों के सामने आ सकती है बड़ी समस्या। जियो ने ग्राहकों को दिया तगड़ा झटका, 27 फरवरी से पेमेंट बैंक सेवा जियो मनी होगी बंद, RBI की गाइडलाइन के बाद अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा कोहली की बैटिंग देखकर सीखने की करता हूं कोशिश। डिजिटल डेब्यू करेंगे सैफ अली खान, वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स का फर्स्ट लुक जारी, उपन्यास पर आधारित है कहानी, सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे भी आएंगी नजर। और एक बार फिर ट्विटर के फॉलोअर्स घटाने पर भड़के अमिताभ बच्चन, कहा इतना जुल्म भी ना करो, 2 लाख फॉलोअर्स घटाने का लगाया आरोप।